क्या कोई भी गया था अभी? जल्दी आ जाओ, 110%। पहला है ना, हमने निपटा चुके हैं, ठीक है। ऊपर का हाथ में मेरे मोशन सेंसर आप देख रहे हो, ठीक है। ये भाई ऊपर का पूरा हमने कर लिया क्लियर। सभी को नमस्कार, सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। तो जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और भाई पीछे देख गड्ढा है, गिर मत जाइए उधर को, ठीक है। तो जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नीचे जाने के लिए, आई होप आप मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और थोड़ी सी लुप लुप हो रही है, लेकिन कोई नहीं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा नीचे। आ जाए भाई, जो होगा देखा जाएगा। आ जा भाई राकेश। एक तो ना ये क्या, इधर की साइड क्या है? इधर की साइड भी छोटी सी दीवार बनी हुई है, पूरी पूरा जंगल है भाई पीछे की साइड ना, आप देखोगे ना पूरा जंगल है। ऊपर पूरा निपटारा कर दिया हमने, अब उतरेंगे हम नीचे की साइड। और ये ट्रस्ट मी भाई, अगर मैं ऐसे कर जाऊँ ना प्रॉपर, तो मैं इसमें से निकल के नहीं जा पाऊँगा। पहले तेरे को ही जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। मैं जाऊँ पहले? पहले तू ही जा। चल पता लगाना चाहिए ना हमारी कठिनाइयों का, हम कितनी मुसीबतों का सामना कर रखे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लोगों को पता चलना चाहिए भाई, वो स्मेल बड़ी गंदी है ना, चुपकादड़ों की। तो भाई पूछो मत, ये स्मेल ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है। हाँ ये है तो भाई वो फाइनल जगह। ओहो स्वागत भी देख ले कैसे हो रहे हैं हमारे, जैसे हम घुसे हैं ना चमगादड़ों ने आना शुरू कर दिया है। थोड़ी सी लाइट, ये निकला, चल आ जा। हाँ भाई अजीब ही हो रखा आज तो, थोड़ा से क्या खुदा खुदा सा हो रखा है, ऐसा लग रहा है ना किसी ने खोद रखा हो ज़्यादा ही। ये देखियो ये इधर की साड़ी है, खोदते हैं इसको अंदर आके भाई, यहाँ खजाना ढूंढ रहे हैं क्या? ओहो हो भाई सच में तो खोद रखा है किसने, देख इधर भी साइड कुछ मिला है, हाँ शायद। और बंदे सीरियसली यहाँ पर आके खुदाई करते हैं, वाह भाई वाह। देख इधर से भी ये कुछ है अंदर, लाइट मार ऊपर से, कोई तहखाना टाइप का है। हाँ ये वही तहखाना है जो उधर की साइड से, जो हमें पिछली बार हमें एक्टिविटी दिखाई थी, सुनाई दे रही थी। आज बहुत ज्यादा शांति नहीं है यहाँ पे, एकदम सुन सन्नाटा सा पड़ा हुआ है। चल लाइट मार इधर को, ऊपर चमगादड़ है ना मेन, ये डर है, ये नीचे आते हैं ना तो भाई दिक्कत करते हैं बहुत है, है? चल एक तहखाना ये है जहाँ से बाहर का रास्ता दिखता है, और एक मेन जो जगह थी पिछली बार वो थी जगह ये क्या था? बूट्स की आवाज आई थी ना, जैसे बूट पहन के वो चल रहा हो। अंदर चल, कोई बंदा अंदर तो नहीं है? पिछली बार भी यहीं फटी थी सबसे ज्यादा, याद है तेरे को? देख यही वो तहखाना जो उधर से दिख रहा था, अंदर से आता हुआ पीछे की साइड से।
और ये है जंगल में जाने का, बंद कर दिया। हाँ, और ये है जंगल में जाने का रास्ता इधर की साइड से। सबसे पहले तो मैं मोशन सेंसर प्लेस कर देता हूँ किसी एक साइड में है, बीच में रख देते हैं मोशन सेंसर को इधर, और इससे हो जाते हैं थोड़ी सी दूर। और मोशन सेंसर अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, ये हो गया। मोशन सेंसर बंद हो चुका है, अब देखते हैं अगर यहाँ पर कोई है या कोई भी ऐसी शक्ति है जो नहीं चाहती कि हम यहाँ पर रुकें। तो आप ये जो सफ़ेद कलर का ये देख रहे हो मैंने प्लास्टिक का रखा है, आप इसके जैसे ही पास आओगे जल जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई है जो नहीं चाहता हम यहाँ पर रुकें, हम यहाँ से चले जाएंगे। हम ना आपको यहाँ पर नुकसान पहुँचाने आए हैं, ना यहाँ पर हमारी कुछ गलत इरादा है यहाँ पर आके आपसे छेड़छाड़ करने का या फिर कुछ भी है। आप जस्ट इसके पास आएंगे, मैं थोड़ी इससे और दूर चला जाता हूँ। तो जैसे ही आप इसके पास पहुँचेंगे ये जल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई है जो नहीं चाहता हम यहाँ पर रुकें। और अगर चाहता भी है हम यहाँ पर रुकें तो एक बार इसके पास आके जलाएं, हमें पहले अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं, क्या यहाँ पर कोई है जो इसके पास आ सकता है। नाइट विजन कैमरा लगाएं, नाइट विजन कैमरा लगाए। लगा देते हैं, ला दे। मैं ना मोशन सेंसर के थोड़ी सी पास ही इसको प्लेस कर देता हूँ इधर की साइड। टॉर्च मारियो हल्की सी इधर लाइट, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, मोशन सेंसर के पास। अब एक बार इसको हम कर लेते हैं एक्टिवेट। कनेक्टिंग हो रहा है, शायद वाईफाई हट गया होगा। मोशन सेंसर हमने भी प्लेस किया हुआ है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही मैं इसके पास पहुँचूँगा ये जल जाएगा, और अब हमने यहाँ पर कैमरा भी लगा दिया है, नाइट विजन कैमरा, और हम निकल जाएंगे इससे बाहर इधर की साइड, और उधर की साइड हम खड़े होकर देखेंगे कि कैसे नाइट विजन में शायद कुछ कैप्चर हो पाए। प्रॉपर चल गया है, ये देख लो लाइट हटा, ये यार जो आवाज़ आ रही है थोड़ी हमारी पॉली बैग की है। ये देखो ये नीचे मोशन सेंसर कैमरा लगा हुआ है, ये देखो। अब इसके पास हम प्लेस कर देते हैं इसको, और यहाँ पर एक गेट भी है जो हमें दिखता रहेगा ऐसे। अब जैसे ही इसके पास अगर कुछ आएगा बाहर से तो ये मोशन सेंसर ऐसे जल जाएगा, और ये देखो इसमें जल गया है मोशन सेंसर। देखते हैं, तो देखते हैं फिर, बाहर चलते हैं
और अंधेरा कर देते हैं, सारी लाइट्स कर देते हैं ऑफ, सिर्फ नज़र हमारी रहेगी। पार्थले आ जा। ये लाइट भी बंद करते हैं, सिर्फ इसको देखते हैं कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटी कैप्चर होती है या नहीं होती। बिल्कुल क्लियर है, अगर कुछ भी एक्टिविटी कैप्चर होगी तो ये पॉलो बैग साइड में रख देना आराम से। हाँ बस आराम से रख दे, कोई छेड़खानी मत कर। तो भाई हम बाहर की साइड खड़े हो गए, इतना अंधेरा हो गया, नीचे पत्थर भी दिखाई नहीं दे रहे, पैरों पे लग रहे हैं। और एक मिनट, मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करनी भूल गया हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी ऑन करती है भाई, ऊपर देख रहे हो आप, रिकॉर्डिंग ऑन लग गई है। और अभी भी फ़िलहाल भाई बहुत, मतलब हमने काफ़ी टाइम वेट किया, देख लो आप, मोशन सेंसर नहीं चला है अभी भी, और कोई भी एक्टिविटी आज यहाँ पर नहीं है। एक आवाज़ आई थी बूट की, ऐसा लग रहा था कि कोई चल के जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं हुई है। सो फिलहाल अभी तो कोई एक्टिविटी कैप्चर नहीं हो पाई है, राके लाइट जरा। सो फिलहाल भाई अभी कोई भी एक्टिविटी कैप्चर नहीं हो पाई है, और इधर से ना कट 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 की आवाज़ें आ रही हैं इधर की साइड से। कैमरा वहाँ पे प्रॉपर लगा हुआ है, कैमरा पूरा वहाँ पे प्लेस है, देख सकते हो आप, मोशन सेंसर नीचे रखा हुआ है। थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। अंदर की साइड सब कुछ है और मैं बाहर खड़ा हूँ। ये कैसी आवाज है? तो पूरी प्रॉपर आवाज आई है भाई, हल्की फुल्की माइनर आवाजें हैं। अब ये पता नहीं किस चीज की है भाई, पिछली बार तो ना बड़ी बड़ी थी यहाँ पर ना। कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नीचे देख ले आराम से, क्या करें? एक बार बात करके देखो, अगर कोई है यहाँ पे तो अपनी मौजूदगी का हमें एहसास कराए और हमें बताए कि वो यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ मैंने चीज़ें रखी हैं जिसके अंदर आप अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकते हो। जो सफ़ेद कलर का मैंने वहाँ पे प्लास्टिक का रखा है, आप उसके पास से जैसे ही निकलोगे वो जल जाएगा। मैं वहाँ से बाहर आ चुका हूँ, मेरा इरादा आपको कुछ भी नुकसान पहुँचाने का नहीं है। क्या आप हमारे सामने आ सकते हैं? क्या आप हमारे सामने आ सकते हैं? क्या कोई भी गया था ना अभी? जल्दी आ जाओ, हैं 110% भाई। कोई आवाज नहीं यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर आई है। जैसे मैंने तीसरी बार पूछा ना, कोई गया इधर की साइड से, ऐसा लगा है साफ साफ। आ जा, हम इतनी दूर आ गए कि वो भी कनेक्टिंग मांगने लग गया, लेकिन वो रिकॉर्डिंग पे है, अगर ऐसा कुछ होगा तो हमें दिख जाएगा बाद में। आ, क्या कोई है यहाँ पे? क्या यहाँ पर कोई भी है? और इधर की साइड हमने अपना पॉली बैग रखा हुआ, यही जिसकी बार बार आवाजें आ रही थी।
एक काम करते हैं राकेश, सब कुछ बंद कर दें, थोड़ी देर वेट करते हैं यहाँ पे, एक डेढ़ घंटा मिनिमम, एक घंटा, क्या कहता है? हैं, कर दे बंद। हाँ बहुत टाइम बाद ना ऐसा हुआ है गाइस कि मैंने ना किसी लोकेशन पे इतनी ज़्यादा देर बिता दी हो, इतनी ज़्यादा टाइम लगा दिया हो, आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि हमें यहाँ पर खड़े खड़े ना अभी ऑलमोस्ट एक घंटे से ऊपर हो चुका है, लेकिन कोई एक्टिविटी अभी नहीं हुई है और कोई भी कैमरे में भी, वो कैमरे की रिकॉर्डिंग लगातार ऑन है, घर पे जाके एडिटिंग में देखेंगे एक बार कि उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, बाकी हमें यहाँ पर कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, अंदर अंधेरा है। बाकी इसकी थोड़ी बैटरी कम थी तो हमने इसलिए इसको उसमें लगाया नहीं, अभी भी देख सकते हो आप, नहीं है भाई राकेश कुछ भी एक्टिविटी इसमें भी कैप्चर नहीं हुई है, वैसे का वैसे सब कुछ प्लेस है। तो चल के वहाँ से चीज़ें उठाते हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि आज कुछ ऐसा है यहाँ पे कि जिसको हम बोल पाए कि ये चीज़ें क्लियर बता दी हैं कि कुछ पैरानॉर्मल है, कुछ भी अभी पैरानॉर्मल यहाँ पर नहीं है, जो छोटी मोटी आवाज़ें हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं। अच्छा मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूँ या ना बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ हमेशा बताता हूँ कि है ना एम्बियंस चेंज हो जाता है जगह का, लेकिन आज ना गाइस एम्बियंस भी चेंज नहीं है, मतलब आप देख सकते हो वो एक घबराहट, एक अलग सा जो टेम्परेचर हो जाता है ना वो भी यहाँ पर चेंज नहीं है आज। तो ये देख लो आप, अभी हमने ये रख रखा था अपना नाइट विजन कैमरा जो अब तक ऑन है, सब कुछ रिकॉर्डिंग में है, ये जो भी होगा बाद में फुटेज देखी जाएगी, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अब देखो जैसे मैं इसके पास जाऊँगा ये जल जाएगा, इसका मतलब ये अभी तक वर्किंग में था। तो ये चीज़ें उठाते हैं अब, और तीन बच्चों के हैं जिसको आप बोलते हो ना डेविल आवर, 7 मिनट या 5 मिनट हैं 3 बजने में, वो भी टाइम हो चुका है, इसको उस पॉली बैग में रख ले राकेश, सब कुछ कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये मेरी कोशिश यहाँ पे आके 12 से 3 3 घंटे ऑलमोस्ट हम रुके हैं यहाँ पे, आपको पसंद आई होगी, और जो मेन टाइम था मैंने यहाँ पर आके बिताया। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, व्लॉग चैनल पे मैं और राकेश कैसे यहाँ पे पहुँचे हैं, व्लॉग देखना ज़रूरी है। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहती हैं, और सबसे मेन चीज़ राकेश का व्लॉग चैनल, भाई क्या कंटेंट डाल रहा है लड़का, ठीक है। थक गए आज बहुत ज़्यादा ना, तो इसलिए आपको एनर्जी डाउन डाउन सी लग रही होगी। तो सभी को हैप्पी नवरात्रे, सभी को हाथ जोड़ के जय माता की, और भगवान माता रानी सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए, कामयाब बनाए सबको। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट लोकेशन पे तगड़ी सी वीडियो के साथ। और हाँ, नेक्स्ट सीरीज जो आने वाली है, 3 वीडियो ऑलरेडी शूट हो रखी हैं, वो आएंगी इसके बाद, उसके बाद राजस्थान, मतलब इंस्टाग्राम पे आ जाओ, क्योंकि बस 3 या 4 दिन दशहरे के बाद हमारा राजस्थान का ट्रिप होने वाला है, और बहुत लंबा ये ट्रिप रहेगा, काफ़ी सारी इसमें आपको जर्नी देखने को मिलेगी, व्लॉग्स तो भरपूर हैं ही, साथ में बहुत सारी ऐसी हॉन्टेड वीडियोस हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, बाय। रूल करना है दुनिया पे एम मेरा, जीत मेरी होगी पर होगा गेम तेरा, कान खोल के अच्छे से सुन ले जरा, तेरे शहर में गूंजेगा नेम मेरा, दिक्कत कर देंगे।